मध्य प्रदेश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संकट के इसी बीच एक और खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा है, जिसमें मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चिंता जताई है। पत्र के अनुसार विवेक तन्खा ने कहा है कि मध्य प्रदेश वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले ही सारे निर्णय ले रहे हैं। राज्य में अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। कोरोना संकट के ऐसे समय में कैबिनेट का होना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कोरोना से जंग लड़ रही है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।